कार्तिक का महीना आया। सभी औरतें तुलसी माता को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया माई भी आती और तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटा दीजिए, पोता दीजिए, लड़ुआ दीजिए, गड़ुआ दीजिए, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, तुलसी का पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज की साख दीजिए, गंगा जमुना को नीर दीजिए, चंदन का दाग दीजिए, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। कुछ दिनों में ही तुलसी माता सूखने लगी। तब श्री हरि विष्णु जी का ध्यान गया और उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, इस कार्तिक के महीने में औरतें तुम्हें सींचती है, तुम्हारा भजन गाती है, तुम्हारी पूजा कर, श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उस बुढ़िया की सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। श्री हरि विष्णु ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो तुलसी, जब उस बुढ़िया का अंत समय आएगा तो मैं अपने आप ही उसे कांधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार के लिए उसकी अर्थी उठाने लगे, लेकिन तभी वह बुढ़िया बहुत भारी हो गई, जिस कारण उसकी अर्थी किसी से भी टस से मस नहीं हुई। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन बुढ़िया की अर्थी को उठा नहीं सके। सभी लोग बोलने लगे कि यह बुढ़िया तो बहुत संस्कारी थी, दिन रात पूजा पाठ करती थी, इसने तो पाप नहीं किया था, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के वेश में वहां पर आए और पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी है। तब गांव वालों ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी। ब्राह्मण के वेश में भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा, हे बुढ़िया, माई अढ़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, ग्यारस की मौत ले, और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान ने अपने कंधे पर उसे उठाया और उसका अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे अपना कांधा दिया, वैसा हमें भी देना।